हेलो दोस्तों, डीजे कुमार ब्लॉग चैनल में आपको फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आहूजा का TZA 400EM। तो इस ट्यूजन एम्पलीफायर में कितना स्पीकर बजा सकते हैं, क्या इसमें 15 इंची की स्पीकर बजा सकते हैं, आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये एम्पलीफायर का मॉडल में, जो कि आपको पता चल गया TZA 400EM। तो ये अब कितने वाट का एम्पलीफायर होता है, ये आपका 400 वाट में एम्पलीफायर होता है, मतलब 400 वाट का टोटल होता है। लेकिन आपको दोनों चैनल में अलग अलग, एक चैनल में आपको 200 वाट और दूसरे चैनल में 200 वाट मतलब होता है। तो इसे हम मान सकते हैं 400 वाट का एम्पलीफायर है। तो इसे अलग अलग जोन में अलग अलग किया है, जो कि 200 वाट प्लस 200 वाट आरएमएस पर मिल जाता है। और खास बात इसमें आपका मैक्सिमम पर आपका बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मतलब 100 वाट का एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि आपका 300 वाट आपका मिल जाता है दोनों चैनल में। आपका 300 प्लस 300 मतलब ये आपको 600 वाट, मतलब 200 वाट का एक्स्ट्रा दे रहा है एम्पलीफायर, जो कि आपका 400 वाट का एम्पलीफायर है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम पर आपका ये मतलब 200 वाट ज़्यादा दे रहा है, मतलब टोटल आपका 600 वाट। तो इसे अलग कीजिएगा आपको 300 प्लस 300 हो जाएगा, जो कि आपको नॉर्मल पता होगा। चलिए इसका बात करें तो और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में, जो कि आपका 50 से 15 हज़ार हाइटेस्ट आपको मिल जाता है। और स्पीकर आउटपुट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपका 4 ओम 8 ओम और लाइन वोल्ट के लिए 70 वोल्ट और 100 वोल्ट दिया है, मतलब दोनों चैनल के अलग अलग सेक्शन में दिया है, जो कि आप मतलब अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। और सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें आपको 2 ओम में रिकमेंड नहीं है, तो ये एम्पलीफायर आपको 2 ओम में बजाना मतलब अलाउड नहीं है, तो आप इसे नहीं बजा सकते। और बात कर लेते इसका एसी सप्लाई के बारे में, जो कि 220 से 240 वोल्ट जो कि आपको नॉर्मल पता है। और आपका अगर डीसी से बजाना है तो मतलब कार का बैटरी चाहिए, जो कि आपका एक ही कार का बैटरी मतलब दो कार का बैटरी चाहिए इस एम्पलीफायर के लिए, मतलब 24 वोल्ट, तो इसे आराम से ऑपरेट किया जा सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और सिंपली बात करेंगे क्या, चलिए सीधे पॉइंट पर बात ही कर लेते डायरेक्ट। तो ये एम्पलीफायर में कितना मतलब 12 इंच या 15 इंच की स्पीकर बजा सकते वो भी बात करेंगे, और कितना बजा सकते वो भी बात कर लेते हैं। तो सिंपली बात करेंगे इसका आरएमएस, जो कि आपका पर चैनल आपका 200 वाट दे देता है, और मैक्सिमम पर आपका 300 प्लस 300 मतलब दोनों चैनल 300 300 दे देता है। जो कि मैं इसे फिक्सेशन के बारे में नहीं बताते, वॉल्यूम बटन इंडिकेटर ये सब तो बताता नहीं मैं, फिर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग नहीं जानते होंगे, जो पुराने व्यूअर है तो उसमें आपको पता होगा कि मैं ये सब बताता नहीं हूँ, वॉल्यूम है सब कुछ है ये सब कुछ नहीं बताता, सिर्फ हम फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए और बात कर लेते इसका 12 इंची स्पीकर कितना बजा सकते हो वही बात कर लेते हैं, या 15 इंची का। तो सिंपली बात करेंगे मैक्सिमम आपका 300 वाट, आपको कितना वाट का लगाना पड़ेगा, मान लीजिए आपका 8 ओम में बजाना है तो आपको एक ही स्पीकर लगता है, जो कि नॉर्मल पड़ता है। तो मैं कहूँगा तो इसमें आप 15 इंची का स्पीकर बजा सकते, इसमें चल सकते, जो कि 300 वाट का जो आहूजा का था उसमें आराम से बज सकते, कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो इसमें आप कम दीजिए तो और बेहतर है, जो कि 250 वाट का मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, इसमें 250 वाट का बजाय हमेशा सेफ रहेगा, कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और मान लीजिए 4 ओम में बजाना है तो आप इस 4 ओम में आपको 12 इंची की स्पीकर बजाय इस एम्पलीफायर के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, जो कि 4 ओम में आपका कितना आप 150 वाट का दो स्पीकर ला सकते हैं, जो कि आपका 300 वाट हो जाता है। तो 150 वाट के लिए आपको बहुत मस्त रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने बात नहीं, आपको दोनों चार में 150 प्लस 150 मतलब आराम से चल सकता है, आपको कोने मतलब कुछ होने मतलब आपका एम्पलीफायर हमेशा सेफ रहेगा। मैं कहता हूँ आरएमएस और मैक्सिमम आपको दोनों देखते हुए आप लगाइए, आपका एम्पलीफायर हमेशा सेफ रहेगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और कहता ही रहूँगा, क्योंकि एम्पलीफायर के लिए बेहतर रहता है। तो चलिए और वीडियो में यही तक, और कैसा लगा वीडियो मुझे कॉमेंट